गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। मैं अंकित अवस्थी एक बार फिर से आप लोगों के सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों, आज मैंने बोला था आज से प्रैक्टिस सेशन चालू होगा बेटा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसएससी लेवल के और रेलवे के, एनटीपीसी के, आरआरबी के, हर एक एग्जाम्स के बेटा मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे आज के सेशन में। तो बेटा जल्दी जल्दी सभी लोग जो भी हैं वो लाइव भी आ जाएं और देखें भी, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बेटा वो लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। तो बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में लेकर आया हूं, तो आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा सेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन और देखते हैं वीडियो को, ठीक है बेटा। सबसे अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, कंसेप्ट भी आप लोगों को पूरी बताई जा चुकी। जो लोग बच्चे आज नया देख रहे हैं मेरा वीडियो, पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, लाते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज का। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखेंगे सभी लोग और समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए पढ़ पा रहे होंगे सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो रिलेट करते हैं एक दूसरे को और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं, वही सारे प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूं, ठीक है बेटा। आज के सेशन में मैं प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर है आपकी पहला क्वेश्चन, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है 32,000 रुपए, कितने रुपए बेटा, 32,000 रुपए का अमाउंट है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्षों में 4,000 रुपए हो जाता है, कितना हो जाता है, 4,000 रुपए। पढ़ पा रहे सभी लोग, रेट 32,000 रुपीज बिकम्स 4,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज 1.5 ईयर, देन हाउ मेनी ईयर्स 12,800 रुपीज विल अमाउंट टू द 25,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। तो 3,200 रुपए का किसी धन पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज है जो 1.5 वर्षों में 4,000 रुपए हो जाता है, कितने वर्षों में, यह है 12,800 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 25,000 रुपए हो जाएगा, ये बताना है बेटा, ठीक, कितने वर्षों में हो जाएगा ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। देखिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप लोगों को मैंने सारी कॉन्सेप्ट बताई है, थ्री मेथड का भी क्वेश्चन, थ्री प्रोसेस बताया, और उसके बाद आज मैं रेशियो वाली कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। समझिएगा बेटा, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ठीक, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल बेटा कितना है क्वेश्चन में, 3,200 था और बन कितना गया, 4,000 बन गया, ठीक। प्रिंसिपल था 3,200 और बन कितना गया बेटा, 4,000 बन गया, मतलब 3,200 से बनकर गया कितना, 4,000 बनकर गया बेटा। दो जीरो काट दो, 8 से काट दो, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 4:5 रेशियो में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, 4:5 रेशियो में ब्रेक हो गया, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। आगे लिखा बेटा, लिखा तो बताओ यह कितने वर्षों में, ये 1.5 वर्षों में हो रहा बेटा, ये अमाउंट जो बन रहा है ये कितने वर्षों में बन रहा है, 1.5 वर्षों में बन रहा है, कितने वर्षों में बेटा, 1.5 ईयर्स में कन्वर्ट हो रहा, ठीक। तो बताना है 12,800 रुपए का अमाउंट 25,000 रुपए कब बनकर आएगा, ठीक बेटा, 12,800 रुपए का अमाउंट 25,000 कब बनकर आएगा ये बताना है हमको। तो कैसे बताएंगे हम लोग, यहां पर देखेंगे ये 12,800 का अमाउंट अगर 25,000 बनाना है तो हम लोग इसको काट देंगे, ये दो जीरो काट देंगे, इसको काट देंगे 2 से, तो ये 64 आ जाएगा और ये आ जाएगा 125, ठीक। बच्चे हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि 4:5 लिखा था रेशियो, कितना लिखा था बेटा,
4:5, और 4:5 बनता है कब, 1.5 इयर्स में, कितने में बनता है, 1.5 इयर्स में बनता है। और तो बताना है 64 से 125 बनेगा कब, ठीक। तो बहुत आसान है बच्चे, ये देखिए 4:5 था, यहां पर 64:125 है, ठीक बच्चे। यहां हम लोग देख रहे हैं कि 4:5 है यहां पर, और यहां पर है कितना 125, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्यूब में बढ़ता है, क्यूब के प्रोसेस में बढ़ता है, ठीक। तो आप देखो कि ये 4 × 64 और 5 से इसको काटेंगे तो 25 × 5 = 125। ये देखो ये 4 कितने का क्यूब बन, ये 64 कितने पर बन के आ रहा है, 4 × 4 × 4, दिस इज द व्हाट, 4 का क्यूब, ठीक। और ये 125 क्या बन रहा है, 5 × 5 × 5, दिस इज द व्हाट, 5 का क्यूब। तो बेटा ये क्यूब में बढ़ रहा, मतलब पावर कितनी है, 3 आई है बेटा, कितनी आई है, 3 आई है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि बेटा ये जो अमाउंट है यहां पर ये क्यूब है, और यहां पर 1.5 साल में बढ़ रहा है, कितने साल में बढ़ रहा है, 1.5 साल में। तो अगर अमाउंट बन के आए, क्वेश्चन हटा दिया जाए, तो देखो अगर जैसे लिखा हो 4 × 4 × 4, ठीक, तो ये 4 जो अमाउंट बनता है 1.5 पर था, 4 से 5 हुआ, फिर अगली साल 1.5 आएगा, फिर अगली साल 1.5 आएगा, तो टोटल बेटा अमाउंट कितने ईयर बन के आ गए, 4.5 ईयर। तो आंसर हो गया बेटा 4.5 ईयर। आप एक इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो, दूसरा प्रोसेस आप लगा सकते हो यहां पर कि ये बन रहा है क्यूब, तो क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 1.5 में, तो 1.5 × 3 मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 4.5। क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक इसकी एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं जिससे आप लोगों को और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये समझ में आ गया होगा, 3200 था, 4000 था, इसको काट दिया, 4:5 हुआ, 4:5 के रेशियो में कन्वर्ट हुआ, ये धन बनता है 1.5 इयर्स में बेटा, तो 4 से इतना बनाना है हमको, तो ये 64 बनाना है, ये 125 बनाना है, ये मतलब क्या है, 4 का क्यूब है बेटा, तो क्यूब जाएगा पावर में, मींस 4 बढ़ता है 1.5 पर, 4 बढ़ता है 1.5 पर, 4 बढ़ता है 1.5 पर, मतलब कितना हो जाएगा, 4.5। क्लियर हो गया सबको, ठीक। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं इस क्वेश्चन की, ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इसकी, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक। देखो बेटा देखो एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं बेटा, कितना था, 3200 था, ये 4000 था, ठीक। कटने के बाद अमाउंट बन रहा था 4:5, मींस अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल था 4, बन कितना गया 5/4, 5/4 बनने में 1.5 ईयर लगा है, ठीक, समझिएगा। अगर बात की जाए तो यहां 5/4 बना तो 1.5 ईयर लगा, 4 से 5 धन होने में 1.5 ईयर लगे, ठीक। तो अब अगला फिर आएगा 5/4, ठीक, तो यहां 1.5 ईयर फिर लग जाएंगे, फिर एक अगला आएगा 5/4, तो फिर एक 1.5 ईयर लग जाएगा। तो बेटा ये टोटल देखो कितना बन गया, 125, ये टोटल देखो कितना बन गया, 64। अब बन के आया तो कितना अमाउंट बन के आया, 4.5 ईयर्स में। क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, ये कंसेप्ट भी बच्चे आप तैयार रखिए जिससे कि आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक, सबको समझ में आ गया, 1/5/64 और यहां पर आ जाएगा कितना, 4.5। क्लियर हो गया होगा सबको, कंसेप्ट क्लियर हो गई। देखो ये कंसेप्ट भी अप्लाई होगी क्वेश्चंस में आगे, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, ये कंसेप्ट भी अप्लाई होगी आगे के क्वेश्चंस में, इसलिए बेटा बताया है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक। 4 से 5 बना, हमको बनाना कितना था, 64 से 125 बनाना था, मतलब 64 जाना है तो क्यूब में जाना, एक कंसेप्ट मैंने वो बताई, और ये बताया 4 से 5 हो रहा, तो 4 से 5 होने में 1.5 साल लगे, फिर 4 से 5 होगा तो फिर 1.5 साल लगेंगे, फिर 4 से 5 होगा तो फिर 1.5 साल लगेंगे, मतलब अमाउंट कितना लग जाएगा, 4.5 ईयर्स, कितना लग जाएगा, 4.5 ईयर्स। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। आगे चलते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर आ गया है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो बेटा, पढ़ पा रहे होंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2700 रुपए किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 4800 रुपए हो जाता है, तो 4.5 इयर्स के बाद में अंत में उसका मिश्रधन बताना है बेटा, टोटल अमाउंट बताना है 4.5 इयर्स में, जो 2700 रुपए की धनराशि है वो 3 वर्षों में 4800 रुपए बन जाती है बच्चे। तो हम लोगों को यह बताना है कि वो 4800 बन के जा रही, मींस रेट 2700 रुपीज है, बिकम्स 4800 रुपीज एट अ सर्टेन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 3 इयर्स, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4.5 इयर्स। 4.5 इयर्स में बताना बेटा, ठीक। तो क्वेश्चन की कंसेप्ट वही है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, सेम वैसे करना है। 2700 था अमाउंट, बन कितना गया बेटा 4800, मतलब 4800 और 2700 मीन 2700 से बनकर अमाउंट कितना गया है 4800, कितना बन के गया बेटा 4800 गया, कितना बन के गया 4800। तो अगर इसको कैंसिल आउट किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 से काट देंगे 9 और 3 से काट देंगे 16, तो 9:16 बेटा कितना बना 16 बना। बेटा बोला क्या है, क्वेश्चन पढ़ो बहुत आराम से पढ़ो और समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन में आप देखिए लिखा है 2700 से 3 वर्षों में 4800 बनता है, ठीक। कितने इयर्स में बन रहा है, 3 इयर्स में ये अमाउंट बन के जाता है, ठीक। और बताना आपको कितने में, 4.5 इयर्स में बताना है, कितने बताना है 4.5 इयर्स में बताना है, ठीक 4.5 इयर्स में। तो अगर बात करते ये 9:16 लिखा है, तो इस 9:16 को क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हैं 4/3 और 4/3, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा 16 बनेगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 9 बनेगा, ठीक। मींस हमको ये पता चला कि अगर 9:16 बनता है कितने में, कंप्लीट 3 ईयर में बनता है, ठीक। 9:16 बनता है कंप्लीट 3 इयर्स में, तो बेटा 1.5 इयर्स। अगर इस 16/ ये अगर लिखा जाता तो ऐसे लिखते हम लोग 1.5 प्लस 1.5, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 4/3 लिखा, तो इसको हम लोग ऐसे तो बोलेंगे 1.5 और 1.5, जब इसको ऐड कर लेंगे तभी तो 3 आएगा, मतलब 16/9 को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 1.5 1.5, मींस 1.5 की वैल्यू किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल है, 1.5 की वैल्यू किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। 1.5 की वैल्यू अगर 4/3 के इक्वल है तो हम लोग एक चीज समझ गए होंगे, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 4.5 इयर्स के बाद बताना, 4.5 इयर्स के बाद बताना, ठीक। तो बेटा बहुत आसान, कैसे बता देंगे, देखो ये 4800 अमाउंट बना है, 4800 का क्या निकाल दे 4/3 निकाल दे, तो ये कितना आ जाएगा 1600, और 1600 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6400। क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर से समझते हैं, 3 इयर्स बेटा है, 3 इयर्स मतलब 3 साल, और यहां पर 4.5 इयर्स बताना है, मींस 3 से 4.5 कितना ज्यादा है 1.5, मतलब हम लोग 1.5 की वैल्यू पता कर लें कि 1.5 किस पर जा रहा है, तो 1.5 वही इंक्रीमेंट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 9:16 था, 16/9 को 4/3 लिख सकते हैं, और अगर 1/1 4/3 की वैल्यू 1.5 साल बढ़ती है तभी तो ये 1.5+1 हुआ 3, मतलब 16/9 जो ये रेशियो बनाना है इसका मतलब ही यही हुआ है कि 3 इयर्स में ये 16/9 हो जाता है बेटा। तो 16/9 मीन्स 1.5 की वैल्यू किसके बराबर है 4/3, तो हम लोग इसका 4/3 निकाल देंगे तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, ओके चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया बच्चे, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। लिखा है किसी निश्चित मूलधन पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज
3,810 रुपए है। अगर वार्षिक ब्याज की दर 16 सहित 2/3% हो तो मूलधन ज्ञात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ मनी इन 3 years इज रेट 3810। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/2/3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेटा फाइंड करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे होंगे सभी लोग, और देखते हैं फिर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखिए बेटा, 16/2/3% फ्रैक्शन में पढ़ा जाता है 1/6। क्या पढ़ते हैं बेटा? 1/6 पढ़ते हैं इसको, फ्रैक्शन में पढ़ते हैं बेटा 1/6। और इसको फ्रैक्शन में अगर पढ़ रहे हैं 1/6, मतलब 6 था प्रिंसिपल और अमाउंट था कितना? 7, 6+1। तो यहां पर हमको क्या चीज बेटा पता चली, समझ पा रहे होंगे आप लोग, समझ पा रहे होंगे कि 6 से 7 हो रहा है अमाउंट। 6 से कितना हो रहा है बेटा? 7 हो रहा है। 6 से 7 हुआ फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर हुआ, फिर 6 से 7 होएगा सेकेंड ईयर में, फिर 6 से 7 होएगा थर्ड ईयर में, और 3 साल की ही बात कही गई है, 3 साल की ही बात कही गई है। तो बेटा देख लेंगे टोटल अमाउंट, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में बढ़ता है, तो 6×36=216, ठीक, 216। एंड दिस इज द व्हाट, 777 is 343, मल्टीप्लाई 7×7×7 मतलब 343। तो बेटा 216 से अमाउंट बन के आया कितना? 343। तो बेटा 216 से अमाउंट बन गया 343, कितने यूनिट वैल्यू बढ़ गई है यहां पर बेटा? बढ़ी है 127 यूनिट की वैल्यू बेटा आ रही है। किसके इक्वल? क्वेश्चन में गिवन करके दिया गया बेटा, पढ़ सकते हैं 3810 के। तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 30। और हमको बताना क्या बेटा, हमको बताना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना था बेटा? 216। सो द वैल्यू ऑफ 216 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 0368 and 6480 रुपीज। सो दिस इज द प्रिंसिपल। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया सभी को? वॉइस क्लियर हो रही? सब कुछ समझ में आ रहा? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं क्वेश्चन, और देख लीजिए ध्यान से, जिनको क्लियर नहीं हो पा रहा एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, समझिएगा। 16/2/3% को पढ़ते हैं बेटा 1/6, अमाउंट 6 था 7 हुआ फर्स्ट ईयर में, अमाउंट 6 था 7 हुआ सेकंड ईयर में, अमाउंट 6 था 7 हुआ थर्ड ईयर में, अमाउंट 666 बढ़ के बन गया 216, यहां पर बना 343, कितने यूनिट बढ़ा? 127 यूनिट। सवाल में कितना बढ़ रहा? 3810, एक यूनिट की वैल्यू आई 30। तो बताना हमको प्रिंसिपल है, तो दिस इज द प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल इज 216 देन मल्टीप्लाइड बाय 216×30। ये समझ में आया कैसे आया? 216 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 30 से। तो बेटा आ जाएगा 6480। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हम लोग, सबको समझ में आ गया होगा? बच्चे आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। एक बार फिर से समझा दे, अगर नहीं समझ में आ रहा। 16/2/3 का वैल्यू होता 1/6, 6 से 7 हुआ, तो 216 से 343 बना, 127 यूनिट की वैल्यू आ रही 3810, तो 1 की यूनिट की वैल्यू 30। तो बताना बेटा प्रिंसिपल था। क्लियर हो गया होगा सबको? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में थोड़ा बेटा मतलब जैसे क्लियर टीम थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बीच में, ठीक है, तो और कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। समझ पा रहे हैं सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और समझेंगे और बताइए, ठीक। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग रहा होगा बहुत भयानक टाइप का, आपको क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है ए मनी
lender borrows money at 5% per annum and pays the interest at the end of the per year. He lends the 8% per annum compound half yearly and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains 158 rupees amount money he borrows. ठीक क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझ लेते हैं. लिखा था एक साहूकार है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लेता है और वह इस पैसे को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है. पहले 5% पर लगाता है, फिर 8% पर लगाता है और कह रहा अगर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे संयोजित हो. इसमें बेटा अर्धवार्षिक दिया है, मीन्स अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली. सारे बच्चे जानते हैं हाफ ईयरली की कॉन्सेप्ट, बता चुका हूं मैं कि अगर 8% है पर एनम तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 8% का हाफ हो जाएगा, मीन्स 4% अप्लाई होगा. तो 4% होता है तो बताना है कि साहूकार को 158 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ साहूकार ने कितने रुपए उधार लिए. ये बेटा, तो बेटा टी कितना था, 1/8 था. 1/8 ईयर मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया. तो बेटा अमाउंट कितना अप्लाई होने लगेगा, 4% इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी जब आएगा 4%. और फिर हम लोग निकालेंगे यहां पर जो अमाउंट निकालेंगे, ये 4% ये 4% और यहां पर जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 4 का 4%. तो 4 का 4% आ जाएगा बेटा 0.16, 4 चौके 16, 0.16 आ जाएगा. इस टोटल अमाउंट को जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8.16% आया और सवाल में कितना है, 5% है बेटा. तो इसका डिफरेंस कितना निकल के आया, 3.16%, मीन 3.16% का हमको प्रॉफिट हुआ. तो 3.16% का प्रॉफिट हुआ क्वेश्चन में, सवाल में हुआ है 158 रुपीज का. तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 158/316. सो दिस इज द व्हाट 100% विल बी. 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो सॉल्व कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे. आई थिंक 5000 आ जाएगा आंसर इसका. क्लियर हो गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत भयानक लग रहा था पढ़ने में, बहुत कठिन लग रहा था. एक बार फिर से समझा देता हूं, आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लेते हैं. क्वेश्चन लिखा था बेटा 4% 4%, क्योंकि क्यों लिया गया, क्योंकि 8% था पर एनम, 8% पर एनम तो हाफ ईयरली होता है, तो हाफ ईयरली को लिखते हैं बेटा, पढ़ते हैं 4% यहां 4% यहां और 4% की मीनिंग फिर 4% निकालेंगे तो 0.16 आएगा. टोटल अमाउंट जोड़ेंगे 8.16%, यहां पर 8.16% है, सवाल में कितना है 5% से प्रॉफिट देख लेंगे, निकाल लेंगे कितना निकला है 3.16%. तो 3.16% की मीनिंग दी गई है प्रॉफिट की 158, तो 1% की निकाल लेंगे तो 1% की इतनी, तो 1% की कितनी होगी. ठीक, क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को. ठीक, ओके. तो ये चीज समझ में आ गई होगी. अब लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लिखा है किसी निश्चित मूलधन पर 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज 100 रुपए है. 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए बेटा. लेकिन समान मूलधन और समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपए है, तो बताना है मूलधन. बहुत आसान बच्चे क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी इज 100 रुपीज इन 2.5 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ सेम ऑफ द मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 ईयर्स इज ₹85, फाइंड द प्रिंसिपल. बहुत आसान बच्चे क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताना है प्रिंसिपल बेटा. क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है बेटा. कैसे बताएंगे, देखो हम लोग यहां पे ऐसे आसानी से बता सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझेंगे थोड़ा. देखो 2.5 इयर्स में बेटा, 2.5 इयर्स में 100 रुपीज है कितना, सिंपल इंटरेस्ट बेटा 2.5 इयर्स का कितना है, 100%, 100 रुपीज. ये अगर 100 रुपीज है तो 2.5 इयर्स में, तो 1 ईयर में कितना आएगा, 100/25, 2.5 पॉइंट हटा देंगे 0, 40 रुपीज. तो 1 ईयर का अमाउंट कितना निकल के आया, 40 रुपीज. ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट. क्या हुआ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट. और आपको मैं बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर ओपन किया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे, 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 2,
तो ये जो होती है लाइन, ये किसकी होती है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट की होती है, मैं बता चुका हूं। तो 40 रुपया यहां, तो 40 रुपया यहां, और सवाल में बोला है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मींस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, और 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे कितना होता है, ये पूरा होता है मींस 40 और 40, तो 85 वहां दिया गया बेटा, मींस 80 यहां हुआ, तो यहां कितना आएगा वैल्यू, 5 आएगा, तभी तो ये 85 बनेगा टोटल। तो ये 40, ये 5, यहां पर इसका निकालेंगे, ये इसका कितना है 1/8, ये इसका कितना है 1/8, 8 × 5 = 40, तो ये बेटा निकल आया कितना, मींस 40 आया ये। तो प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1/8 इज इक्वल टू 40, तो यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ जाएगा 320। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, 320 रुपए आंसर निकल आएगा इस क्वेश्चन का, क्लियर हो गया होगा सबको, 320 रुपए ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, ठीक। बच्चे आज तक क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे इसी के सेशन के और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्लास आगे और कराने का मूड था लेकिन थोड़ा तबीयत नहीं सही है, इस वजह से आप लोगों को यहीं स्टॉप करता हूं, और आगे थोड़ा हीट भी बहुत हो रही, गर्मी पड़ रही बहुत ज्यादा, इस वजह से आगे मैं आप लोगों को और भी वीडियोस लाऊंगा इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। आई थिंक आज के क्वेश्चंस के सेशन में बहुत मजा आया होगा आपको, और आगे लाता रहूंगा और भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, तब तक के लिए बाय बाय, ओके चलते हैं आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। बच्चे मैं बार बार बोलता हूं, आप शेयर जरूर करिए वीडियो को, जिससे आप और भी बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ सकें और मुझसे ज्वाइन हो सकें। तब तक के लिए बाय बाय।